गुड आई एम सी दोस्तों, दिस इज संदीप कुमार, यूथ इन्फ्लुएंसर, यंग एंटरप्रेन्योर। माय डियर फ्रेंड्स, जो कोई भी IMC में रूबी स्टार लेवल को अचीव करना चाहते हैं या उनका टारगेट है कि इस महीने हम रूबी स्टार लेवल को अचीव करेंगे, तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताया हूँ कि क्या टर्म एंड कंडीशन होते हैं, कैसे हम फॉलो करके इस लेवल को आसानी से अचीव कर सकते हैं, साथ ही साथ हमसे कोई गलती ना हो जाए, तो उसकी बारीकियों को मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके लिए यह वीडियो तैयार किया है। तो माय डियर फ्रेंड, जो कोई भी नए हैं जो चाहते हैं IMC में रूबी स्टार लेवल को अचीव करना, उनके लिए ये वीडियो वाकई में बहुत ही खास होने वाला है। साथ ही माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मैं ये भी बतला देना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में अगर कोई भी इंसान चाहता है सफलता हासिल करने के लिए, तो IMC में जो लेवल की शुरुआत होती है वो होती है रूबी स्टार लेवल। तो माय डियर फ्रेंड्स, देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, रूबी स्टार लेवल को अचीव करने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि हमारे फ्रंट लेग में 3 एसोसिएट को ये देखना होगा कि वो सुपरस्टार बने हैं कि नहीं बने हैं। अगर वो सुपरस्टार नहीं बने होंगे तो पहले हमें उन्हें सुपरस्टार बनाना है। कहने का मतलब क्या है कि 35% का जो लेवल होता है उसे अचीव करवाना है। जब वो अचीव कर लेंगे तो उसके बाद हमें ये तैयारी करना है कि उसे क्वालिफाइड सुपरस्टार बनाना है। क्वालिफाइड सुपरस्टार कहने का मतलब क्या है कि पर मंथ की जो बिजनेस वॉल्यूम होनी चाहिए वो कम से कम 30,000 बीवी होनी चाहिए। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने 20,000 बीवी शो किया है। इसका कहने का मतलब क्या है कि अभी जो हमारा लॉकडाउन का जो ऑफर चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग अगर सुपरस्टार लेग से पर मंथ का 20,000 बीवी जाता है तो हम आसानी से रूबी स्टार लेवल को अचीव कर लेंगे। बस हमें ये ध्यान ये रखना है कि हमारे तीनों लेग में ये होने चाहिए और उसी मंथ होने चाहिए। मान लीजिए अगर हम इस मंथ अचीव करने वाले हैं तो इसी मंथ हमारे तीनों लेग से, पहला बात है तीनों तो सुपरस्टार लेग हैं, दूसरा क्या होना चाहिए कि उसी लेग से हमारा 20,000 बीवी मिलनी चाहिए। जैसे ये तीनों टैली करेंगे तो हम आसानी से रूबी स्टार लेवल को अचीव कर लेंगे। और माय डियर फ्रेंड्स, हमारे जो साइड लेग आप यहाँ डी और ई देख रहे हैं, तो इसके बारे में हम कुछ आपको बतलाना चाहते हैं। तो ये हमारा हेल्प करते हैं लीडरशिप बोनस को अचीव करने में। तो चलिए इसके बारे में डीप जानकारी आपको आगे मिलेगी। तो माय डियर फ्रेंड, जब हम रूबी स्टार लेवल को अचीव करते हैं तो इसके पहले महीने में जो भी लेवल पे हम थे, 10% लेवल, 20% या 35% लेवल पे थे, अगर हमने टारगेट किया था रूबी स्टार लेवल का, तो हमें डायरेक्ट जो बिजनेस प्रॉफिट लेवल जो मिलता है वो 44% मिल जाता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन और अच्छी बात है कि IMC में कोई भी लेवल लेने का ज़्यादा टर्म एंड कंडीशन नहीं, हम किसी भी लेवल को आसानी से अचीव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपके बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करने जा रहा हूँ, जहाँ पे लोग समझ नहीं पाते कि हमें रूबी स्टार लेवल में लीडरशिप बोनस कितना मिलेगा, फंड कितने मिलेंगे और हमें इनकम कितनी आएगी। तो इसके जो टर्म एंड कंडीशन है उसको मैं बहुत अच्छे से डील कर रहा हूँ, बतला रहा हूँ, तो आप ध्यानपूर्वक सुने और समझें। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब हम बिना साइड बिजनेस वॉल्यूम बनाकर रूबी स्टार बनते हैं तो उस कंडीशन में हमारा जो लीडरशिप बोनस रहता है वो सिर्फ 2 क्वालिफाइड सुपर लेग से ही मिलता है, और जो तीसरा क्वालिफाइड सुपरस्टार लेग होता है वो पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम में काउंट हो जाता है। इस वजह से इस लेग का जो लीडरशिप बोनस होता है वो हमें ना मिलकर हमारे अपलाइन को मिल जाता है, क्योंकि हमने सिर्फ 3 लेगों पे ही काम करके रूबी स्टार लेवल को अचीव किया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि सी लेग से भी हमें लीडरशिप बोनस मिले, तो हमें करना क्या होगा कि हमारा जो साइड लेग है, मान लेते डी ई हमारा साइड लेग है, तो उस लेग से कम 25,000 बिजनेस वॉल्यूम आना चाहिए। अगर इसमें हम अपना पर्सनल बीवी भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ माय डियर फ्रेंड्स, अभी लॉकडाउन का ऑफर है तो हमें मात्र 15,000 बीवी ही करना है। आप इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमारा जो पर्सनल बीवी है वो भी ऐड होगा, इसलिए इसका नाम है PGBV, पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम चाहते हैं तीन ही लेग से हमारा रूबी स्टार मेंटेन हो जाए, तो तीसरा लेग उसे समझा जाएगा जिसका कम से कम बीवी 30,000 होना चाहिए। उस जिस लेग से 30,000 बीवी आएगा उसे ही हम समझेंगे कि वो हमारा तीसरा लेग है जो मेंटेन में काम आएगा। तो माय डियर फ्रेंड, फाइनली अब हम देखते हैं कि रूबी स्टार लेवल को अचीव करने के बाद हमें कौन कौन सा बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे लीडरशिप बोनस के बारे में। तो यहाँ पे हमें मिलता है लीडरशिप बोनस 10%, 5% मिलता है हमें फर्स्ट एक्टिव जनरेशन से, 3% मिलता है हमें सेकेंड एक्टिव जनरेशन से, और 2% हमें मिलता है थर्ड एक्टिव जनरेशन से। मैंने एक्टिव जनरेशन के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम फंड की बात करते हैं तो फंड हमें
तीन महीने लगातार मेंटेन होने के बाद मिलना शुरू होता है। तो हमें ट्रैवलिंग फंड मिलता है 2%, मोटर बाइक फंड मिलता है 2% और मीटिंग फंड मिलता है 2%। माय डियर फ्रेंड, चलते हैं इनकम की ओर। तो यहाँ पे डिफरेंस इनकम देखा जाता है 10,000 से लेकर 25,000 के बीच होती है और लीडरशिप बोनस होता है आपका 20,000 से लेकर 25,000 के बीच होता है। फंडिंग के माध्यम से हमें जो इनकम आती है वो 10,000 से लेकर 15,000 का होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि रियल जो रूबीस्टार लेवल जो अचीव करते हैं अपने टीम बिल्डिंग के थ्रू, तो होता क्या है, उनका मिनिमम इनकम होगा 40,000 और ज़्यादा ज़्यादा देखा जाएगा तो 1,00,000 भी जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पर 65,000 ही दिखलाया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात रूबीस्टार लेवल का क्या है कि IMC में जो लोग भी आते हैं उनका एक ड्रीम लेवल ये होता है, क्योंकि इस लेवल में मिलती है फैमिली सिक्योरिटी। फैमिली सिक्योरिटी कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई बंदा यहाँ पर आता है, इस मुकाम को हासिल करता है, इन द फ्यूचर उनके साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है, अगर वो काम नहीं कर पाते हैं तो होगा क्या कि ये इनकम उनको लाइफ टाइम आएगी, साथ ही साथ जिसके कारण उनकी फैमिली जरा से भी बिखरने वाली नहीं है, क्योंकि उस बंदे ने अपना बहुत ही बड़ा नेटवर्क बना दिया है, बहुत ही बड़ी टीम को खड़ा कर दिया है। तो उस बंदे की जगह पे कोई और बंदा आ सकता है, मतलब उन्हीं के फैमिली के जो नॉमिनी में होंगे वो लोग आएंगे और उनकी कुर्सी को संभालेंगे। अगर वो काम करे या ना करे फिर भी उनकी गाड़ी चलती रहेगी और उनके घर में इनकम आते रहेंगे और उनकी फैमिली हमेशा हैप्पी रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि आपको ये जानकारी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं कोशिश करता रहूँगा कि जितना हो सके आपको बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी इस चैनल के माध्यम से पहुँचाऊँ। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू सून, वंदे मातरम, भारत माता की जय।